पहनता है, टोपी तो राजा पहनता है, और एक टोपी के लिए क्या होता है, कितनों का टाट उलट जाता है, यानी जो राजा होता है वही टोपी पहनता है, दूसरे टोपी नहीं पहनते, और जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, जरा सी गलती हुई, चूक हुई तो टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी इज्जत चली जाती है। जरा सी चूक हो जाए, गलती हो जाए तो व्यक्ति की इज्जत चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, टोपी उछलना। ये मुहावरा भी है, अपनी टोपी सलामत रही, इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मां तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरे ने क्या कहा, अपनी टोपी सलामत रहे, यानी अपनी इज्जत सही सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों को इज्जत देनी पड़ती है, मान सम्मान देना पड़ता है। यदि हम किसी को गलत बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, बिना बात में इंसल्ट करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, वह भी हमारी इंसल्ट करेगा। तो हमें अपनी इज्जत बचानी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरों की हमें भी इज्जत करनी पड़ेगी। तो गौरे ने कहा कि मेरी मान तू इस टोपी के चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की। गौरा क्या था, तनिक समझदार भी था और शक्की स्वभाव का भी था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। गौरैया कैसी थी, जिद्दी थी, उसके अंदर जिद थी कि मुझे ये काम करना ही करना है, और उसके अंदर धुन भी थी, जो मन में ठान लिया उसको उसे करना ही करना था, ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। जो उसने अपने मन में ठान लिया कि यह काम मुझे करना ही करना है, उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेती थी और उसे पूरा करके छोड़ती थी। कहा गया है, जहां चाह वहां वही रहा, यह पंक्ति भी है, सूक्ति भी है, कहा भी जाता है, उक्ति भी है यह, कि जहां चाह वहां रहा, जिस व्यक्ति को जहां कुछ चाहिए वहां रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। अगले दिन दोनों कहाँ निकले, हर मामूल के मुताबिक जैसे हर रोज जाते थे उसी के अनुसार दोनों अगले दिन घूरे पर चुगने निकले। घूरा क्या होता है, कूड़ा करकट, कूड़े करकट में से दाना आदि चुगते थे, तो ऐसे दाना आदि चुगने के लिए निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। जब घूरे पर दाना आदि चुग रहे थे तो वहां उसे एक छोटा सा रुई का फाहा मिला। किसे, गौरैया को। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। गौरैया को एक छोटा सा फाहा मिल गया, रुई का टुकड़ा मिल गया। मिलने के बाद गौरैया बड़ी ही खुश हुई और खुशी के मारे घूरे पर ही लोटनी लगाने लगी, लेटने लगी, मिल गया मिल गया इस प्रकार से खुशी से चिल्लाने लगी। रुई का फाहा मिलने से उसे इसलिए खुशी हुई क्योंकि उसे अब टोपी मिल जाएगी, इस खुशी के कारण वह चिल्लाने लगी और घूरे पर ही लेटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गौरे ने चीहा कर पूछा। गौरे ने एकदम चौंक कर पूछा, अरे क्या मिल गया जो ऐसे मिल गया बोल रही हो। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। गौरैया तो रुई के फाहे को लेकर बड़ी खुश थी। फिर दोबारा गौरे के पूछने के बाद फिर गौरैया खुशी से बोली, मिल गया टोपी बनाने का जुगाड़ मिल गया, यानी अब मेरी टोपी बन सकती है। ऐसे कह करके उसने रुई के फाहे को गौरे के सामने रख दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। गौरे ने कहा कि तेरे जैसा ही कोई बावला था। एक दिन क्या हुआ, गौरे ने उसका उदाहरण देते हुए बताया कि रास्ता चलते चलते उसे चाबुक मिल गया था। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। चाबुक
बड़ा ही लचकदार था और मजबूत था, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। जो चाबुक था, जिसको सांटा भी बोलते हैं, वह किसी घुड़सवार को अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा होगा तो उसके हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। जैसे ही चाबुक उसके हाथ में लगा, हाथ में आया, हाथ में आते ही उसे क्या हुआ, ये कि मुझे ये चाबुक मिल गया, मिल गया। ऐसे वह खुशी से चिल्लाने लगा, क्या मिल गया चाबुक, क्या मिल गया चाबुक। चाबुक मिलने के बाद वह खुशी से चिल्लाया था। और वह चाबुक कहाँ कहाँ मिला था, चलते हुए रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, कि कहाँ से गिरा हुआ था, वह किसी घोड़े वाले के हाथ से छूटकर गिर गया था। तो चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। चाबुक तो मिल गया, बाकी तीन चीजें, तीन घोड़ा लगाम और जीन, बाकी चीजें बच गई। जैसे घोड़ा, घोड़े की लगाम और जीन। खाली चाबुक मिलने से वह खुश हो गया। चाबुक मिलने से ये तो नहीं है कि उसे घोड़ा भी मिल जाए, लगाम भी मिल जाए और जीन भी मिल जाए, ये चीज तो मिलनी नहीं थी। चाम आदि होता है, चमड़ा आदि होता है, कि ये सारी चीजें घोड़े के साथ होती हैं। घोड़ा भी, लगाम भी, घोड़े पर जो आगे नाक में से डाल करके पीछे खींचा जाता है, ये चीजें होती है। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। गौरे ने गौरैया को कहा कि ये चाबुक मिलने से बाकी के बचे हुए तीन, जो तीन चीजें जो हैं, वे तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा, बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। जो है बावला था, वह अकेले चाबुक को लेकर के जिंदगी भर यही रट लगा करके रखे हुए था कि मिल गया, मिल गया, और बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन। तो इस कारण वह जिंदगी भर ऐसे ही रटता रहा। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? गौरे ने गौरैया को समझाते हुए कहा कि जैसे वो चाबुक लेकर के तीन घोड़ा लगाम जीन के लिए इंतजार करता रहा, इतना लंबा सफर था, तो इसी प्रकार से इस रुई के फाहे से लेकर के टोपी तक का जो सफर है इतना लंबा, क्या तुझे उस सफर के बारे में कुछ अता पता है कि वह कैसे पूरा हो पाएगा? तो गौरैया कहने लगी, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया ने कहा कि अब आप देखते जाओ कि टोपी कैसे बनती है। गौरैया रुई का फाहा लिए एक चुहिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को ढूंढ दो। गौरैया सबसे पहले कहाँ गई? रुई का फाहा लेकर एक दुनिया के पास, जहां रुई को ढूंढा जाता है, साफ किया जाता है, उसमें से गंध निकाला जाता है। तो जाकर के दुनिया को कहा, दुनिया भैया, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को ढूंढ दो, यानी साफ कर दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। दुनिया कैसा था? बेचारा बूढ़ा व्यक्ति था और सर्दी का मौसम था। उसके शरीर पर वर्षों पुरानी एक बहुत ही पतली सी चादर पड़ी हुई थी, जिस कारण उससे सर्दी भी नहीं रुक पा रही थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए रजाई बनानी है। जो दुनिया था वह एकदम से गुस्सा करते हुए गौरैया को बोला, क्यों, तू यहाँ से जाती है कि नहीं? तुझे पता है, देखती नहीं क्या तू, मुझे तो राजा के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम
चलाता है। चाम का दाम चलाता है का क्या अर्थ है? चाम का अर्थ है चमड़ा या त्वचा आदि, यानी कि फ्री में काम करवाता है। चाम का दाम चलाता है यानी त्वचा आदि का फ्री में काम करवाता है, किसी के शरीर को नहीं देखता, फ्री में काम करवाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, गौरैया को कहने लगा, एक तो ये जो राजा है ये परेशान करता है, ऊपर से तू भी आ गई है रुई को फ्री में धुनवाने के लिए, उज्र न करो भैये, गौरैया बोली। गौरैया ने कहा, भैया गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। भैया गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पूरी मजदूरी दूंगी, यानी जितनी मेहनत करोगे उसके बदले में मैं तुम्हें दूंगी। इसे ढूंढ दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। गौरैया ने क्या कहा कि मैं जो तुमसे काम करवाऊंगी मैं उसके बदले में आपको मजदूरी दूंगी, इस में से जो ये फाहा है इसमें से आधा तू ले ले और आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी न मिली थी। दुनिया को क्या था, आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खरी मजदूरी, इतनी खरी मतलब कि साथ के साथ मिलने वाली मजदूरी या पैसा कभी भी, पैसा या कोई वस्तु कभी भी नहीं मिला था। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी, 16 आने में 8 आने मजदूरी दुनिया के लिए एक सपने के समान थी, जैसे रुपये में से 50 पैसे उसे मिल जाना, ऐसे तो रुपये में से 50 पैसे मिल जाना उसके लिए दुनिया के लिए क्या था, एक सपना ही था। वह झट तैयार हो गया, घर चों उसकी तांती बज उठी। जब गौरैया ने कहा कि आधी रुई तू ले लो, ले लेना और आधी मैं, यह बात सुन करके वह झट से उसकी रुई ढूंढने के लिए तैयार हो गया। घर चों उसकी ताती बज उठी, जिससे रुई ढूंढता था उसकी वह घर चों की आवाज करके उसकी ताती बजने लगी, यानी उसका जो मशीन थी जो भी था वो चलने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुने, लो इसे, उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया ने। जब गौरैया ने धुनिए को कहा था कि मैं आधा तुझे दे दूंगी, तो यह बात सुन करके गौरैया ने उसने धुनिए ने रुई को बड़े मन से बड़ी लगन से धुना, और इसके बाद जो गौरैया थी उसने आधा धुनिए को फाहा दे दिया और आधा अपने आप लेकर चल पड़ी। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे। इसके बाद फाहा लेकर के दोनों गौरा और गौरैया कहाँ गए, एक कोरी के पास गए और कहने लगे, कोरी भैया इस रुई से सूत काट दे। कोरी कौन होता है? सूत काटने वाला। उसे जाकर के कहा, कोरी भैया इस रुई से सूत काट दे, सूत यानी धागा, इससे सूत काट दे, सूत काटेगा तो धागा बनेगा, धागे से ही बाद में कपड़ा बनेगा। तो कोरी की कमर झुकी हुई थी, जो सूत काटने वाला था उसकी कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धूसा डाल रखा था, वह भी बहुत ही गरीब था, तो उसकी कमर भी झुकी हुई थी, बड़ा गरीब था और उसने धज्जी धज्जी हो चुका, यानी बहुत ही फटा पुराना सा कपड़ा अपने शरीर पर डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, उसका मन नहीं था उनसे बात करने के लिए, सुनने के लिए, तो उसने बड़ी ही अनिच्छा से कहा, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। तो क्या कहा उसने कि मुझे अभी तो राजा जी के लिए ही सूत काटना है, राजा जी का काम करना है, इस करके मैं कुछ नहीं करता, भाग जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। तो
पहले तो राजा जी का कार्य ही फ्री में करना पड़ रहा था, उससे गुस्सा आया हुआ था। ऊपर से उसे लगा कि ये पक्षी हैं जो ये फ्री में काम करवाने के लिए आ गए हैं, इस करके कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है फ्री में काम करने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। गौरैया ने हैरानी से कहा कि भैया, क्या इस राज्य में सारे काम केवल राजा के लिए ही होता है? जहां भी, जैसे कि पहले गई थी रुई का फाहा धुनवाने, तो उसने भी कहा था मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। यहाँ भी आई तो उन्होंने कहा राजा जी के लिए अस्तन के लिए सूत कातना है। तो गौरैया को हैरानी हुई कि इस राज्य में क्या सारे कार्य केवल राजा जी के लिए ही होते हैं? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने कहा कि तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बर्दा बैठा खाए तुरंत। क्या कहा कोरी ने कि तू किस मुल्क से आई, तू भी तो यहीं रहती होगी। कोरी ने उसे आंख भर कर देखा। कोरी ने फिर उसकी तरफ देखा, दया की दृष्टि से उसकी तरफ देखने लगा और कहा कि तू जानती नहीं यहाँ का चलन कैसा है, खट मरे बर्दा बैठा खाए तुरंत। खट मरे बर्दा, यहाँ की बलद काम करने वाला बलद, तो बैल तो मर जाता है और घोड़ा उसे घोड़ा आराम से बैठ कर खाता है। जो बैल है वह तो खेत में काम कर करके मर जाता है और जो घोड़ा है वह आराम से बैठकर खाता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। कोरी ने कहा कि यहाँ पर सारे काम किसके लिए होते हैं? राजा जी के नाम पर ही होते हैं और राजा जी के लिए ही होते हैं। राजा जी ने लगवे भगवे भी तो राजा जी के लगवे भगवे भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। यानी राजा जी के चेले चपटे, राजा जी के साथ रहने वाले और भी बहुत है, पीछे चलने वाले मेल जोल वाले व्यक्ति और भी बहुत सारे हैं, जिनका कार्य कैसे होता है? फ्री में ही होता है। राजा जी के काम के साथ उनका काम भी फ्री में होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, गौरैया बोली। गौरैया ने कहा मुकरो मत, यानी कि पीछे मत हटो, आप यह काम कर दो, हम इसका माकूल देंगे, पैसा देंगे, आप घबराओ मत, पूरा मुआवजा देंगे, गौरैया ने कहा। इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगी। गौरैया ने कहा तुम इसे काट दो, आधा तो मैं ले लूंगी और आधा तुम ले लेना। कोरी भी तैयार हो गया, कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। कोरी किस लिए तैयार हो गया कि इतनी जो उनको मजदूरी मिल रही थी उसके लिए काम न करना तो उसके लिए मूर्खता ही थी। फ्री में काम थोड़े हो रहा था, जो फाहा था उसमें से आधे के लिए उसको आधा देने के लिए गौरैया ने बोला था, इस करके वह तैयार हो गया। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। यह बात सुन करके कोरी की जो मशीन थी जिससे वह धागा सूत काटता था, वह सूत काटने के लिए चल पड़ी। उसकी आवाज आने लगी तन तन, काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कोरी ने काफी बारीक और लच्छेदार सूत काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि गौरैया ने उसे आधा सूत देने के लिए कहा था, इस करके लगन से मन से उसने यह सूत काट दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। कदम कदम पर कामगार गौरैया को मिल रहे थे, गौरैया का काम हो रहा था, उसके सहयोग से गौरैया को और आगे बढ़ने की हिम्मत बंधी। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। इसके बाद दोनों वे कहां गए? कपड़ा बनाने वाले के पास, बुनकर के पास। बुनकर कौन होता है? जो कपड़ा बनाता है। उस
कपड़ा बनाने वाले के पास गए और जाकर कहने लगे, बुनकर भैया, बुनकर भैया, आप इससे सूट से कपड़ा बना दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, बुनकर इनको हैरानी से देखने लगा कि कैसे आकर ये बोलने लगे, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। वहां फिर बुनकर ने भी कहा कि तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं, हटते हो कि नहीं? तुम्हें पता नहीं है कि मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। राजा जी के लिए क्या बुनना है? बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद राजा जी के कारिंदे जो राजा जी के साथ रहते हैं, उसके काम कुम करते हैं, वे अभी लेने के लिए आ जाएंगे। साव करे भाव सो चबाव करे चाकर, साव करे भाव सो तो चबाव करे चाकर। उनके नौकर चाकर उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं और वे काम करवाने के लिए अभी आ जाएंगे, लेने के लिए अभी आ जाएंगे। तो यह बात कहकर के, इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। यह बात सुन करके, यह बात उन दोनों को गौरैया और गौरे को कह करके जो बुनकर था वह अपना काम करने में मस्त हो गया कि अब मैं अपना राजा का कार्य कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूँगा। तो अब आज के क्लास में इतना ही कार्य करते हैं, और आपको अब लेसन रीड करके आना है, जो हो चुका है ये भी।